छठ मैया झूठ बर्दाश्त नहीं करती है, छठ मैया फरेब बर्दाश्त नहीं करती है। प्रधानमंत्री जी आप 2015 में आए थे, अपने 33 घोटालों की लिस्ट नीतीश कुमार जी की गिनाई थी, उसमें 27 और जुड़ गए। या तो आपको विस्मरण हो गया, आप एमनेसिया के शिकार हो गए, सब कुछ भूल गए एकदम, या नहीं तो कहिए कि तब आप गलत कह रहे थे या अब आप गलत कह रहे हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आज उन्होंने एक बात और कही कि कर्पूरी ठाकुर जी, संभवतः उनके स्क्रिप्ट राइटर ने नहीं बताया होगा, कर्पूरी जी जननायक कर्पूरी ठाकुर की सरकार कैसे गई, किसने गिराई, ये बिहार का बच्चा बच्चा और चप्पा चप्पा जानता है कौन वो लोग थे। मैं सिर्फ 2-3 चीज कहकर के खत्म करूंगा। माननीय प्रधानमंत्री जी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर 10 लाख नौकरी 10 तारीख से उसकी प्रक्रिया की शुरुआत की बात कर चुके हैं। या तो आप कहिए कि आप 12 लाख सरकारी नौकरी देंगे, या फिर थपथपाइए कि पहली बार इस देश में चुनाव बीते कुछ वर्षों में नौकरी पर बात हो रही है। आपकी उस पर चुप्पी बताती है कि रोजगार से आपका कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरी चीज, ऐसा क्यों है माननीय प्रधानमंत्री जी कि बिहार बेरोजगारी का एपी सेंटर है, 46.6%। आपके पूरे विजन में आज मैंने कुछ नहीं सुना, माफी के साथ कहता हूं, बिहार इंतजार कर रहा है। आप कहेंगे कि विशेष राज्य का पैकेज बिहार पिछड़ा है। आपके अमिताभ कांत जी ने कहा कि बिहार के पिछड़ेपन की वजह से देश पिछड़ा हुआ है, तो प्रधानमंत्री जी आज विशेष राज्य के पैकेज में ये कोताही क्यों, ये कंजूसी क्यों? बिहार सिर्फ वोट बैंक नहीं है, बिहारी सिर्फ वोट पैदा करने की मशीन नहीं है, बिहारी स्पंदन के साथ इंसान है, समूह है, परिवार है, चाहे किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो। आपने हर उस बिहारी के एस्पिरेशन पर, उसकी आकांक्षाओं पर आज कुठाराघात किया, क्योंकि 10 लाख नौकरी का सवाल आपकी बातों से गायब था, संविदा कर्मियों का सवाल आपकी बातों से गायब था, समान काम का समान वेतन आपकी बातों से गायब था। क्यों? जिंदगी किस चीज पे चलेगी? थाली छोटी होती जाए और लोग फिर भी आपके ऑर्केस्ट्रा में शामिल होकर के तो ही बजाए, वो नहीं बिहार को मंजूर है। बिहार को एक सकारात्मक सोच वाली सरकार चाहिए। नेता प्रतिपक्ष ने सुबह कहा था कि कुपोषण को लेकर के नजरिया, अब बिहार की हालत देख लीजिए कुपोषण। नीति आयोग का एक भी आंकड़ा, खुद माननीय प्रधानमंत्री जी के माता काम करने वाला नीति आयोग, उसमें किसी भी मानव सूचकांक के आंकड़े में बिहार कहीं भी उछले पायदान पे क्यों नहीं? और माननीय प्रधानमंत्री जी, ये आंकड़े विपक्ष ने नहीं पैदा किए, ये आंकड़े आपके नीति आयोग ने पैदा किए हैं, ये आंकड़े आपके 15 वर्षों की शासन की असफलता की निशानी है, ये आंकड़े सुशासन के नाम पे करारा तमाचा है। जब आप बात करते हैं मुजफ्फरपुर की बच्चियों के बारे में बात नहीं की, बड़ी बड़ी बात कर रहे थे आप, पुराने इतिहास का बांसी पन्ना आप पलट रहे थे, ना भविष्य की बात कर रहे थे ना वर्तमान की बात कर रहे थे। नेता प्रतिपक्ष और हमारा पूरा गठबंधन एक प्रगतिशील विचार के साथ जा रहा है, हम रोजगार की बात कर रहे हैं, संविदा कर्मियों के जीवन सुधारने की बात कर रहे हैं, गांव और शहर के फर्क को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, अस्पताल के सामने कोई अंडर सेक्रेटरी दम ना तोड़ दे उसकी बात कर रहे हैं, लेकिन आप क्या बात कर रहे हैं? पुराने इतिहास का बासी पन्ना जो बिहार कतई लेने को तैयार नहीं है। मैं आखिरी टिप्पणी यही कर रहा करके खत्म करूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके आने से पूर्व कुछ विभागों पे यहाँ इनकम टैक्स कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आप ये भी जान लीजिए कि जिन घोटालों का जिक्र आप 15 में करके गए थे उसमें बहुत सारे घोटाले जुड़े हैं। आपकी राजनीतिक मजबूरियां हो सकती हैं, आज मंच पे वो साथ बैठे हैं, मैं कैसे सच बोल दूं, लेकिन आपकी नैतिक मजबूरी ये नहीं होनी चाहिए, आप देश के प्रधानमंत्री हैं। हम बिहार में चुनाव जीतने के बाद आप फिर भी प्रधानमंत्री रहेंगे, नेता प्रतिपक्ष मुख्यमंत्री बनने के बाद आपके पास ज्ञापन लेके जाएंगे विशेष राज्य का दर्जे का, और अगर विशेष राज्य के दर्जे को आपने नहीं माना, आपकी सरकार ने वही हरकर्मिता दिखाई, तो मैं आज दावे के साथ आप तमाम मीडिया वालों के समक्ष कह रहा हूं जो नेता प्रतिपक्ष कह चुके हैं, आमरण अनशन पे बैठेंगे, क्योंकि बिहार कटोरी लेके विशेष राज्य का खैरात नहीं मांग रहा है, बिहार को हक चाहिए, इस मुल्क के बनने में उसकी बनावट बुनावट में बिहार का योगदान है। अब केंद्र का काम है कि बिहार की बनावट बुनावट को आगे ले जाने के लिए आप विशेष राज्य का दर्जा दीजिए। हाँ, 3 तारीख को जब आप वापस आइए माननीय प्रधानमंत्री जी, हम राजनीतिक रूप से विरोधी,
लेकिन मैं आग्रह करूंगा प्रधानमंत्री जी, संघ सहकारी संघवाद जब आप कहते हैं कल को हमारी सरकार बनेगी, ये शत्रुता की जुबान नहीं होनी चाहिए, प्रतिस्पर्धे की जुबान हो जाए। और कल तक जब हम मिले ना तो ये ना याद हो कि आपने कैसी कैसी बातें कही, और जो कि मैं समझता हूं चुनाव की हीट में आप भूल गए होंगे। आप भी जब बैठेंगे तो आपको लगेगा कि जब बिहार एक तरह से सोच रहा है हर जाति की दीवार टूट रही है, लोग एक साझा सरोकार के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो बिहार को जो विजन चाहिए 3 तारीख को जब आए तो उस विजन के लिए आप विशेष राज्य की बात करें, 10 लाख नौकरी के लिए आप पीठ थपथपाते हैं, यहाँ नौकरी पे बात हो रही है, संविदा कर्मियों पे बात हो रही है, समान काम समान वेतन पे बात हो रही है, बिजली के दरों को कम करने पे बात हो रही है, पुरानी पेंशन योजना को पुनः बहाल करने की बात हो रही है, ये सब अपेक्षाएं हमारे प्रधानमंत्री जी से हैं। और जो 11 सवाल नेता प्रतिपक्ष ने पूछे थे, अभी आपके पास 2 दिन का वक्त है माननीय प्रधानमंत्री जी, 3 को आइए, उन सवालों का जवाब बिहार की जनता आपसे सुनना चाहती है। शुक्रिया, धन्यवाद। नौजवानों के इतना खिलाफ क्यों है महाराज नरेंद्र दामोदर दास मोदी? सब याद रखे, आपने नीति आयोग की चर्चा की और बताया कि नीति आयोग में ऐसा एक भी रिपोर्ट नहीं जिसमें बिहार जो अगले पायदान पे खड़ा है, तो सर 15 साल का बीजेपी और जेडीयू का शासन काल रहा है, उसके पहले आप लोग का था, उसके पहले कांग्रेस का था, यानी हर शासन काल में हर पार्टी के शासन काल में बिहार शोषण का शिकार हुआ। और बात मजदूरों के पलायन की, नहीं, एक सवाल का जवाब दे दूं फिर आप पूछ लीजिएगा दूसरा। पहली बात तो ये जो ह्यूमन इंडिकेटर्स पर ये जो मानव सूचकांक हुआ है ना, ये बीते 15 वर्षों की ही देन है, उससे पहले ये पैरामीटर्स डेवलप नहीं हुए थे, आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो एक वो दृष्टिकोण है, मैं ये नहीं कहूंगा कि हमारा दौर स्वर्णिम था, हमने भी अपने लैप्सेस के लिए कहा बंद, अरे हम लैप्स किए तब तो हम सरकार से बाहर थे। अब तेजस्वी जी महागठबंधन के उम्मीदवार के रूप में क्लीन स्लेट लेके आए, एक कमिटमेंट के साथ आए, अगर हम पूरा ना कर पाए, अरे जनता की अदालत है, जाला नहीं देखती है, जिरह नहीं करती है, खारिज कर देती है, हमें भी 5 साल बाद खारिज कर देती है। नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव की संपत्ति को लेकर आज एक नया खुलासा किया, कहते हुए क्या कि रोजगार को लेने के लिए तेजस्वी यादव ने जमीन लिया है। देखिए अब नीरज जी की बात को मैं टिप्पणी भी नहीं करना चाहता, इसलिए टिप्पणी नहीं करना चाहता कि अशोभनीय आधारहीन बातों पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करता। जिस संपत्ति का वो जिक्र कर रहे हैं कर लेना, सरकार क्या नहीं कोशिश किया, अब तो सरकार तोड़वा के गए थे, नीतीश जी को बरगला करके डरा करके ले जाया गया था, क्या हुआ उन मुकदमों का सब लोग जान रहे हैं, इसलिए इंतजार करिए। अब इनके पास कुछ बचा ही नहीं, नीरज जी से मैं ये उम्मीद तो करूंगा नहीं कि तेजस्वी जी को बधाई दे 10 लाख नौकरी के लिए, संविदा खत्म करने के लिए, समान काम के समान वेतन के लिए, तो उनसे और उम्मीद ही नहीं, कोई बात नहीं, 2-4 दिन और है। मनोज जी का कहना है कि कांग्रेस आरजेडी की पिच लगवा है, कांग्रेस आरजेडी, मैं एक बात पवन जी इसका जवाब देंगे, ये बात उपेंद्र जी जब कहते हैं ना मुझे हंसी आती है, अरे हमारा आज का संबंध नहीं है कांग्रेस और आरजेडी का, नैसर्गिक रिश्ता है, और इस नैसर्गिक रिश्ते की बुनियाद 2004 से पहले की है, 2004 में जो गठबंधन बना यूपीए उसकी बुनियाद में सोनिया जी और लालू जी का रिश्ता था। मैं समझता हूं कि अब उपेंद्र जी अगर ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं तो मैं जाहिर तौर पर यह कह सकता हूं ये उन्होंने अपने मन से नहीं कहा, बता दिया, जवाब अच्छा दिया, वो थकान हो गई होगी उपेंद्र जी को चुनाव की, हो सकता है गलतियां कर जाते। तब वो मुख्यमंत्री होंगे, नहीं मुख्यमंत्री प्रतीक के रूप में पूरे बिहार की ओर से आमरण अनशन, लेकिन हमें उम्मीद है कि बिहार के मैंडेट को देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी को विशेष राज्य देने को तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि हम भीख नहीं मांग रहे हैं, हक मांग रहे हैं, हक और भीख का फासला बिहार ने खत्म कर दिया। देखिए किसी को ये मुगलता ना रहो कि अमृत पी के आया है और सत्ता पे हमेशा वही रहेगा, बिहार की जनता जाते ही ना तो देश को जगा देगी। मनोज जी एक सवाल, एक मिनट, इनको पहले नरेंद्र मोदी की जो उम्र है और जो राजनीतिक करियर है और तेजस्वी जी की जो राजनीतिक करियर है बहुत काफी फासला है,
एक प्रधानमंत्री को क्या मतलब ऐसा ये आम जनता फील करे कि उनको तेजस्वी जी से डर हो गया है? देखिए मैं वो अपने भाषण में अनाप मैं इसलिए कहा प्रधानमंत्री जी के साथ हम लोग लगातार प्रधानमंत्री देश में अगर कल को मैं कोई फॉर्म भरूंगा तो मेरे लिए भी वही प्रधानमंत्री रहेंगे, इसलिए उनसे सवाल भी होगी शिकायत भी होगी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी जब देश की सुरक्षा की बात हो तब कुछ किरदार अहम भूमिका निभाते हैं। बेजोड़ शटर्स और शटर लॉक्स, मजबूती की मिसाल कायम करने वाले स्टील पाइप्स, सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता से भरपूर शटर लेंथ और अटूट इंटरनल लॉक्स, आइए इन्हें मिलाकर निर्माण करते हैं एक उज्जवल भारत का, क्योंकि बात भारत की मजबूत भविष्य की है।